पर मैंने अपना ब्लॉग भी खोल दिया है। ब्लॉग का नाम है साक्षी नेगी ब्लॉग, तो आप जरूर देखें, उसमें हफ्ते में एक ब्लॉग आता रहेगा। खटाई खाते हैं गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। मेरा नाम है साक्षी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गई है एक नई दिन की शुरुआत और मेरे अभी सुबह उठ के देखा मेरे यहाँ पे एक पिंपल हो गया है, बहुत अजीब दिख रहा है। और भैया भी यहाँ पे गेहूँ फैलाने पे लगा हुआ है। छत में तो वैसे धूप आ गई है पर छत में बंदरों की डर से, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर होते हैं, तो यहाँ पे दादी भी बैठी हुई है इसलिए यहीं नीचे पे डाल रहे हैं गेहूँ। और हमें भी खेत जाना है अभी गोबर डालने। गेहूँ तो पूरे फैला दिए, अब निकलते हैं गोबर डालने आज भी, बट आज हमने दूसरी जगह डालने, ऊपर हाइट वाली जगह पे। आज तक तो हम नीचे ही ले जाते थे, मतलब सिंपल ले जाते थे, सीधे सीधे आज ऊपर जाना है। बाकी दादी भी उठ गई हैं, अब दादी को हमने बना रखा है सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि वही मान के चलो गेहूं रखे हुए हैं नीचे, अब छत में भी नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा आतंक है बंदरों का। कुत्ते पालो तो कुत्ता शेर ले जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है यार गांव में रहने में, बट ये है कि मजा है, सुकून है, दादी को भी बढ़िया लग रहा है। ठीक है तब बैठो। हाँ, ठीक है जाओ, हम जाते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। जल्दी जल्दी आना, जल्दी आएंगे, काम निपटेगा तब। तो गाइस ये हमारा पहला चक्कर है, मम्मी ने कंडे भर दिए, अब हम ले जा रहे हैं। और ये जो तो गाइस ये अभी हमारा पहला चक्कर है और जो ये हमारे खेत हैं बहुत दूर हैं, यहाँ पे हमारा स्कूल है तो स्कूल ही के पास ही में है ये खेत, तो घर से हम एक ही एक चक्कर ले जाएंगे और वहीं आसपास लोगों के घर से डालेंगे। और मम्मी भैया भी यहाँ चढ़ाई पर, बहुत ऊपर जाना है चढ़ाई पर। तो गाइस अभी हाइट देख रहे हो कितनी ऊपर हूँ मैं, अभी बहुत ऊपर जाना है 500 मीटर और। ये देखो ये आ ही रहे हैं, बाकी ये हमारा गांव है, आधा दिख रहा है आधे ऐसे ही है। बाकी इधर देखो मठाना खाल साइड देखो, मस्त क्या मस्त नज़ारा लग रहा है, मस्त तो हम हैं बड़ा भी बाबा। तो गाइस अभी हम खेत में पहुँच चुके हैं और मम्मी भैया भी यहाँ पे गोबर फैलाने पर लगे हुए हैं, वो नीचे हमारी सारे, कभी हम वहाँ से ब्लॉग बनाते थे उधर, तो उधर के खेतों में तो हमने गोबर डाल दिया है और अब यहाँ के खेतों में डाल रहे हैं। और अभी हमें और गोबर हमें ऊपर स्कूल के आसपास वाले घर से लाने हैं। चलो भाई लगे रहो। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सार रहे हैं मोर, यहाँ से यहाँ के जस्ट पीछे देखो यार, बहुत याद आती है यार स्कूल की, बट क्या करें यार, समय चला जाता है, एक बार फिर लौट के नहीं आता है। बाकी बढ़िया यार, लोग लगे पड़े हैं, जूम कर करके दिखा देता हूँ कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन ब्लॉगिंग चेक कर रहा है। ये देखो ये सारे ब्लॉग देख रहे हैं कि भाई ब्लॉग बना रहा है वो। ये देखो गाइस ये देखो यहाँ पे मम्मी आ रही हैं, जस्ट बैकग्राउंड देखो आप यार क्या मस्त लग रहा है ना। ये देखो पहाड़ देखो यार, जस्ट बर्फ डली हुई है और यहाँ पर साक्षी भी लगी हुई है। तो गाइस अभी हम स्कूल के आगे से गोबर डाल रहे थे और अभी हम आए हैं स्कूल के पीछे, हमने तीन तीन चक्कर डाल दिए, अभी हमारा चौथा चक्कर, क्योंकि धूप भी ज़्यादा हो रही है तो अभी चौथा ही चक्कर डाल पाएंगे। और यहाँ से देख सकते हो ये हमारा वार्ड गांव, ये गांव भी तैला में ही आता है। मम्मी भैया भी यहाँ पे लगे हुए हैं गोबर भरने पे। जस्ट गोबर का काम फिनिश हो चुका है और इसी के साथ अब हम घर जाने वाले हैं। घर हमारा इतनी दूर नीचे है और यहाँ हमने पराल लगा रखा था, जो इन खेतों में पराल हुआ था तो वो हमने यहीं लगाया, अब इसको भी लेके जाएंगे हम, मतलब आते हुए भी खाली नहीं थे, जाते हुए भी खाली नहीं है, फिर जाके खटाई खटाई बनाएंगे, आपको बताएंगे खटाई कैसी लगती है। बाकी साक्षी यहाँ पे वो कर रही है, इसको जूड़े पे बांध रही है, चलो बांधो बांधो। तो फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद अभी हम घर जा रहे हैं, मम्मी तो सुनने के लिए घास निकाल रही है अभी, हमें उतनी दूर जाना है वहाँ नीचे पे। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और मैंने अपना ब्लॉग भी खोल दिया है, ब्लॉग का नाम है साक्षी नेगी ब्लॉग, तो आप जरूर देखें, उसमें हफ्ते में एक ब्लॉग आता रहेगा। तो मैंने एक ब्लॉग डाल दिया है माय फर्स्ट ब्लॉग नाम से, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट। तो गाइस वैसे मैं चैनल खोलना नहीं चाहता था यार इसका, मैं सोचता था यार दोनों एक ही में ब्लॉगिंग करें, पर मेरा चैनल का ऐसा सीन है यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड बहुत बंदे हैं और बहुत ऐसे मतलब मिक्स कॉन्टेंट हो गया हल्का फुल्का, जो पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग की चीजें हैं वो एकदम से वायरल नहीं हो पा रही है, मतलब जो मैं घर का दिखा रहा हूँ नॉर्मल चीज़ें दिखा रहा हूँ वो वायरल नहीं हो पा रहा है। जैसे नॉर्मल ऐसे लड़की घुमा दिया या ये कर दिया फर्स्ट पेमेंट आ गई, वो चीज़ें ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये एकदम अलग बनाएगी, जेन्युइन तरीके से बनाएगी, हफ्ते में भले एक बनाए लेकिन अच्छा बनाएगी ब्लॉग, तो एक बार जरूर जाएँ और वही लोग जाएँ यार जो ब्लॉग देखेंगे भी। वैसे मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ चुकी है,
ब्राउज फ्यूचर से ज्यादा देख रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ यार, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वही लोग जाएं जो इसका ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि इसके और मेरे ब्लॉग में थोड़ा अलग हटके होगा, ये कभी कभी ब्लॉग डालेगी, मैं तो डेली डालता रहूंगा यार। अब देखता हूँ, भगवान भरोसा है, कुछ किस्मत पे बात आती है। एक बार साक्षी नेगी ब्लॉग पे जरूर जाएं और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और आपका ही सपोर्ट चाहिए। बाकी दोस्तों देख लेना, पहाड़ से लाइफस्टाइल ब्लॉग आते रहेंगे। तो गाइस अभी बना रहे हम खटाई, ओनली संतरे हमारे पास, नींबू नहीं है, बड़ा वाला नींबू होता है वैसे, टेम्पो बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर लिखें। अब देखते हैं कैसी होती है इसकी खटाई, मस्त मार के बनाते हैं। गाइस हमने इनको ऐसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया है, इसमें मिलाते हैं सबसे पहले चीनी। चीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, खट्टा मीठा होना अच्छा लगता है। आ रहा संतरे ज्यादा मीठे हैं तो चीनी थोड़ा कम डाल रहे हैं हम, आप इससे भी ज्यादा डाल सकते हो अगर आपको शुगर नहीं है तो। यहाँ सब शुगर वाले खाने वाले शुगर। फिर भाई मिर्ची भी डालो, ये इतना ज्यादा मत डालो, सब डाल दे इसमें हल्का, ये डाल लें वरना आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। इसको हटा आगे से, लाल मिर्च भी काट सकते हो एक इसके जो है, दादी मना कर रही है छोड़ो यार, क्योंकि ये दादी को भी देना है ना। अब इसको एक से मिक्स करो टन मार के, या खटाई खान, दादी बोलिए खटाई खाने आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले हम इसका टेस्ट दादी को कराते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है। ये बात बड़े हूँ, जगदादी के लिए कटोरा लिया है, खटाई खाते हैं गाइस। किचन भाई तो अब तीन दो खाना सी या जोखना था, हाँ जोखना था ना, जब मैं थोड़ी देर बाद वीडियो डालू ना तब जोखना थी मन की, जन हम हक तो जोख देना तनि और भी हम तो जोख देंगे। ये तो केबल है जेली, इसमें तो ये ठीक चीन होना ना, सुमित तो बढ़िया है, मेरा साथ चल लगा ये। सुमित और पापा मिस कर रहे होंगे यार इस खटाई को, क्या करें यार। आप लोग बताना आपको कैसी लगती खटाई, मुझे तो बेस्ट लगती है यार। इसके साथ अगर वो नींबू होते हैं ना बड़े वाले टेम्पो, और मज़ा आ जाता, ज़्यादा ही खट्टा मीठा हो जाता। ऑलरेडी मीठे हो रहे हैं, ये दादी को भी बढ़िया लग रही है, क्योंकि दिन का टाइम है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें डलती है जो हमने डाली नहीं है, दही हो गया, तिल हो गया, पुदीना भी डालते हैं लोग तो। छोड़ो यार पहाड़ों में इतना टाइम कहाँ, फिर दूसरा एक काम ख़त्म दूसरा काम शुरू, कम यार। हेलो हेलो अभी अपन।